जो भी अतिथिगण इस शुभ अवसर पर यहाँ मौजूद हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को आज़ादी की ढेर सारी बधाइयाँ। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में कुछ बोलने का मौका मिला है, आज मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अगस्त 2022 को भारत अपना 75 साल पूरा करके 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। यह दिन आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है। अगस्त 1947 को भारत का इतिहास सुनहरे शब्दों में लिखा गया था। भारत की आजादी के लिए ना जाने कितने सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया था। इस आजादी को पाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, ये बलिदान कभी भूलना नहीं चाहिए। उन सभी वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के माध्यम से एक बात और आप सबसे बोलना चाहता हूँ। आप सबसे एक गुजारिश है, तिरंगा फहराने के बाद कृपया आप लोग तिरंगे को किसी गलत जगह ना फेंकें, ना ही कचरे में फेंकें। आप लोग कृपया तिरंगे का सम्मान करें। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमें इसे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। खासकर बच्चों के दिल में अपने देश के बारे में जरूर बताना चाहिए, उनके दिल में देश के प्रेम को जागरूक करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।